दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी उनकी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि आपकी सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपने दावा किया कि बीजेपी उनकी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क कर रही है और अफवाह फैला रहे हैं कि आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बारे में सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और दावा किया कि बीजेपी दिल्ली में आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों बीजेपी ने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए से संपर्क किया और कहा कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है, बाकी बचे हुए विधायकों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा देंगे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सभी विधायकों ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने आगे दावा करते हुए ट्वीट पर लिखा, इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने कई षड्यंत्र किए हैं, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारे सभी एमएलए भी मजबूती से हमारे साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे यानी कि आम आदमी पार्टी से बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए चुनाव में आपको हराना इनके बस की बात नहीं, तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।